एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद कृतिका। मैं हूँ कृतिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो सभी ब्यूटीफुल लेडीज़ के लिए। तो जैसे कि अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, तो जो हमारी हाउसवाइफ होती है या फिर हम सब लोग घर की साफ सफाई में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि घर की क्लीनिंग करते 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 हम घर तो क्लीन कर लेते हैं बट हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डर्ट हो जाती है, डल हो जाती है, हमारे फेस पर कोई ग्लो नहीं रहता है। तो जो हमने करवा चौथ पर इतने सारे फेशियल कराए होते हैं, अपने स्किन को इतना अच्छा अच्छा कराया होता है, सब कुछ हमारा ऐसे ही चला जाता है। सो गाइज, आज मैं आपके साथ यहाँ पर एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ कि इसको यूज़ करके मिलेगी आपको इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन ओनली 10 मिनट्स में। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी वे है और इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। सो गाइज, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। और आज मैं आपके साथ यहाँ पर जो होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ 100% नेचुरल है, साथ ही साथ 100% आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। मैंने इसको कई बार ट्राई किया हुआ है, तो आज मुझे याद आया कि मैं आप लोगों के साथ भी क्यों ना शेयर करूँ, जिससे कि आप भी इसका लाभ उठा पाएँ, आपको भी मिले इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन, वो भी बिना कोई ज़्यादा खर्चा किए, बिना पार्लर में जाए, बिना अपना टाइम वेस्ट किए, बिना अपने मनी को वेस्ट किए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब हम यहाँ पर पहले अपना फेस मास्क बनाकर रेडी करेंगे। तो इस फेस मास्क को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक क्लीन बाउल लेना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इस होम रेमेडी को हम हमारे फेस पर अप्लाई करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप बी केयरफुल, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको हल्दी पाउडर जो आप यूज़ कर रहे हो अच्छे ब्रांड का ही यूज़ कीजिएगा। और इसके साथ ही हमें चाहिए एक छोटा स्लाइस लेमन का, तो मैंने ये काफ़ी छोटा पीस लिया है। और इसके बाद हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी पाउडर, और इसके साथ ही हमें चाहिए एलोवेरा जेल पील ऑफ मास्क। ये पील ऑफ जेल मास्क है, एलोवेरा का है ये। और अगर आपके पास कोई और भी पील ऑफ मास्क है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पील ऑफ जेल मास्क है, तो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा कि कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस होम रेमेडी को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए ये एलोवेरा जेल, तो आपके फेस पर ये एलोवेरा जेल का पील ऑफ मास्क मैंने यहाँ पर ये लगभग 2 चम्मच ले लिया है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी लेमन। तो नींबू मैं यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ही यूज़ करूँगी, क्योंकि नींबू हर किसी के फेस पर सूट नहीं करता है। अगर आपको सूट नहीं करता है तो फिर आप इसको 3 या 4 ड्रॉप ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और इसके बाद अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी एक छोटा चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर, और हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइज, यहाँ पर ये हमारा मास्क बनकर रेडी हो गया है, और फेस के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप नेक एरिया पर भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा बनाइए। तो अब हम इसे फटाफट से अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो गाइज, हमने यहाँ पर इस मास्क को बनाकर रेडी कर लिया है, तो आप लोगों ने अभी देख लिया है कि इसको कैसे रेडी करना है। और ये बहुत ही इजीली और बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी हो जाता है। तो ये मास्क तो रेडी है। तो मास्क फेस पर अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पर पहले मेरे फेस को क्लीन करूँगी। यहाँ से पहले मेरी बिंदी को निकाल दिया है, और इसके साथ ही जो फेस पर मेकअप होगा इसे मैं यहाँ पर, मैंने ये एक स्पंज लिया है पानी में गीला कर इसे रिमूव करूँगी। तो मेरे फेस पर कोई फाउंडेशन, कोई क्रीम इस टाइम पर कुछ भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर मेरे फेस को पहले अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ये देखिए, जो फेस पर हल्की सी डस्ट हो रही थी वो भी निकल गई है। तो गाइस, मेरा फेस यहाँ पर अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो जो अब हमने मास्क बनाकर रेडी किया है इसे हम हमारे फेस पर अप्लाई करेंगे।
और इस मास्क को हमें हमारे आई एरिया से और लिप से थोड़ा सा दूर रखना है क्योंकि ये पील ऑफ मास्क है। पर इस मास्क को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। आपको सेम इसी तरीके से लगाना है, अपने आईज एरिया को छोड़ देना है, लिप्स एरिया को छोड़ देना है। आप चाहें तो इसको नेक एरिया पर भी पूरा कवर कर सकते हैं, बट मैं आपको कैमरे पर दिखा रही हूँ तो सिर्फ इतना ही दिखाऊंगी। और मैं इसे तब तक अपने फेस पर रहने दूंगी जब तक कि ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए, और उसके बाद हम इसे लोअर से अपर की तरफ पील करते हुए निकालेंगे। और इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है ये मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है और इसके साथ ही मैंने मेरे फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। तो जब आप इस फेस मास्क को अपने फेस से निकालें तो आपको कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करना है, और नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश करने के बाद थोड़ी देर के लिए अपने फेस को ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो जैसे कि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है और अगर आपको कहीं वेडिंग में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, और अगर आपको अचानक से रेडी होना है तो आप इस फेस मास्क को यूज़ कीजिए और उसके बाद आप रेडी होकर पार्टी में जाइएगा। और इस फेस मास्क को यूज़ करने से आपको मिलेगी इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन। इसके साथ ही जब आप इस फेस मास्क को अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन पर जो डर्ट है, आपकी स्किन पर जो डेड सेल्स हैं, इसके साथ ही जो वाइट हेड ब्लैक हेड्स हो जाते हैं और जो हमारे फेस पर अनवांटेड हेयर्स होते हैं, सब कुछ रिमूव हो जाएगा और आपको मिलेगी एक क्लियर ग्लोइंग स्किन। आई रियली होप फ्रेंड्स आपको क्लियर मेरे फेस पर सब कुछ अच्छे से दिख रहा होगा। और मैंने अभी बिंदी लगा ली है क्योंकि बिना बिंदी के मुझे मेरा फेस थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, मैं हमेशा बिंदी लगा कर रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अभी बिंदी लगा ली है। और आई रियली होप फ्रेंड्स आपको आज की मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, फेस मास्क पसंद आया होगा। और अगर आप और भी कुछ न्यू होम रेमेडी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको आज की मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। आगे मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।